अगला मिथ और आखिरी मिथ कि पुष्पक विमान जिसका वर्णन हम रामायण में देखते हैं वो सिर्फ एक मिथ्या है, ऐसा कुछ भी कभी नहीं था। हर वो चीज़ जो जब तक प्रमाणित ना हो तब तक उसको मिथ्या कहा जा सकता है, पर पुष्पक विमान को मिथ्या ना कहने के मेरे पास दो कारण हैं कि एक तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज उड़ाया है, मतलब इंसान उड़ सकता है। अगर इंसान आज उड़ सकता है तो आप इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकते कि उसके पहले नहीं उड़ सकता था। दूसरा, हमारा एक पूरा वेद पुराण है जिसका नाम है विमान पुराण, जिसमें ये लिखा हुआ है कि विमान कैसे बनता था, उसमें बैठने की जगह कहाँ होती थी, उसमें मशीन्स कहाँ लगते थे, उसका फ्यूल होता था मर्क्यूरी जिसको हम पारा कहते हैं हिंदी में। तो पारा का की एक खासियत है कि वो जितना उसको आप हीट करते हैं वो लाइट होता जाता है, हीलियम के जैसे, जैसे आपका बलून उड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले से, और ये विमान शब्द के साथ पुराण लगा हुआ है तो ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि विमान कैसे बनते थे और कैसे उड़ते थे। जस्ट बिकॉज अभी तक उस पद्धति का उपयोग नहीं किया गया इसका ये मतलब नहीं कि वो पद्धति क्यों पारे से हम विमान नहीं उड़ा लेते हैं। वो कर रहे हैं, नासा में अभी प्रोटोटाइप पे काम चल रहा है और पीपल आर ट्राइंग टू डू थिंग्स। एंड पुष्पक विमान की क्या कहानी है? पुष्पक विमान एक वरदान था। अच्छा। हाँ, वरदान था। और कम से कम अगर आप एक बार लिख लें, जो कि मैं नहीं मानता हूँ, पर अगर आप मानेंगे कि एक सिर्फ कल्पना शक्ति थी किसी के लेखन की कि एक हवाई जहाज था जो उड़ता था, तो वो कल्पना शक्ति अगर बाद में राइट ब्रदर्स के आने के बाद और आज आप और हम सब उड़ते हैं, तो अगर प्लेन के शक्ल में आज हम उड़ पा रहे हैं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि जो जिसने ये कल्पना सबसे पहले की थी वो भी उड़ सकता था।